हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 34 साइज फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे कुछ नए टिप्स के साथ। मेजरमेंट स्क्रीन के ऊपर है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं इसकी गारंटी देती हूँ आपका भी ब्लाउज अच्छा बनेगा। चलिए अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। देखिए, कपड़े को मैं बस एक ही फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई हमारा चेस्ट साइज का 1/4 है प्लस 2 इंच। मैंने यहाँ पर 10.5 इंच लिया है। अभी कपड़े को हम पहले सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम लंबाई लेंगे। लंबाई मेरा है 14 इंच और बैक साइड के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 15 इंच में मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। आपका जितना भी लंबाई है 12 इंच 13 इंच, आप 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लगाएंगे। अभी हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये डीप नेक के हिसाब से हम शोल्डर यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे। यहाँ पर शोल्डर 5.5, और फिर अभी आर्म होल लेंगे। आर्म होल भी मैं 5.5 इंच रखूँगी। देखिए, 5.5 इंच पे मैं निशान लगाई। अभी एक सीधा लाइन हम यहीं से खींच लेंगे, और ये आर्म होल में जो गोल शेप होता है इसके लिए मैं 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और ये आर्म होल जितना है उसका मिडिल पॉइंट पे हम निशान लगाएंगे, और इसको यहाँ से ऐसे गोल शेप देंगे। और यहाँ से 1/2 इंच, देखो मैं, देखिए मैं किस तरह से डाउन किया है। ये 1/2 इंच देने से हमारा जो आर्म होल साइड में, बैक साइड में जो हमारा कपड़े जमा होता है तो नहीं होगा कपड़ा जमा। और यहाँ पे हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट हमारा 34, उसका 1/4 इंच 8.5, और 2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन। अभी नेक विड्थ, जो गले की जो चौड़ाई है, हम यहाँ पर डीप नेक के हिसाब से 2 इंच में निशान लगाएंगे। और लंबाई आप अपने हिसाब से 10 इंच 11 इंच कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 10 इंच लगाई और चौड़ाई मैं 2.5 इंच लगाई, तो यहाँ पे लाइन खींच। आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको चौड़ा करने के लिए गले को आप ऐसे शेप दे सकते हैं। देखिए, गोल शेप मैंने दे दिया। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा हमारा कंधा डाउन होता है, कंधा गिरता है, तो इसीलिए हमारा थोड़ा सा 2 पॉइंट हमने डाउन किया है। अभी कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारा 30 है। 30 का 1/4 इंच 7.5, 2 इंच हमारी एक्स्ट्रा है सिलाई मार्जिन, और 1 इंच हम लेंगे बैक साइड का जो टक्स पड़ता है उसके लिए। देखिए, ये 7.5 हो गया, 2 इंच हमारी एक्स्ट्रा हो गया, और 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे। और ये हो गया हमारा सिलाई का निशान, और यहाँ से हमें मार्जिन लगानी है। अभी जो हमने टक्स लगाएंगे तो उसके लिए आप 4.5-5 इंच पे लगा सकते हैं, और यहाँ से भी ऊपर भी 4.5 इंच पे मैं निशान लगाई। और जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो 1/2 इंच दोनों साइड हमारी यहीं पे जो टक्स पड़ जाएगा। तो ये हमारा बैक साइड कंप्लीट है, तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये बैक साइड रख के हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। ये हमारी बैक साइड कंप्लीट है। देखिए, ये फ्रंट साइड जब कटिंग करेंगे, थोड़ा सा हम चौड़ाई में एक्स्ट्रा लेंगे, और ये हुक आई पट्टी के लिए, हुक पट्टी आई पट्टी के लिए हम यहाँ पे 1/2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारा हुक पट्टी आई पट्टी होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये जो बैक साइड है उसको जैसे था मैंने वैसे ही सेम रख के इसका निशान लगा दिया, और नीचे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लगानी है, और यहाँ पर एक लाइन खींचनी है। अभी हमें ये बैक साइड को हटा देनी है। हटाने के बाद अभी देखिए हम क्या करेंगे, ये गले का जो नेक विड्थ है वही 2 इंच है, और आर्म होल के लिए देखिए यहाँ पे 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन था, हमने उसको अलग निशान लगा दिया। उसके बाद देखिए हमने 1/2 इंच ऐसे शेप दे दिया हमारा फ्रंट साइड के लिए। देखिए, मैं दूसरे कलर की चक में आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ, आप थोड़ा सा कन्फर्म हो जाए कि हमारा निशान कैसे लगेगा। तो अभी नेक के लिए देखिए, फ्रंट साइड नेक के लिए 6 इंच पे मैं निशान लगाई, और चौड़ाई में 2.5 इंच, ऊपर 2 इंच है और नीचे 2.5 इंच है, और ऐसे हम गोल शेप कर देंगे। ये हमारा फ्रंट साइड का गला है। देखिए, अभी हम क्या करेंगे, ऊपर से हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। हमारा टक्स पॉइंट कैसा लगेगा, हमारा चेस्ट साइज का 1/4 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो टोटल हमारा देखिए कितना हुआ, हमारा ये 34 का है। 34 का 1/4 इंच 8.5, 1 इंच एक्स्ट्रा और 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। टोटल हमारा यहाँ से 10 इंच पे निशान लगेगा। लेकिन अब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा है, 14 इंच है, इसीलिए मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। जैसे आप अगर 13 इंच
12 इंच 13 इंच अगर आपका लंबाई है आप यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई है देखिए यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। फिर अभी क्या होगा हमारा, देखिए इधर साइड भी हमारा एक निशान लगेगा, ये हमारा फुल बस्ट, आपको पता होगा फुल बस्ट हमारा सीना का सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हमारा फुल बस्ट कहते हैं। वो थोड़ा हमारा क्या चेस्ट साइज से थोड़ा हमारा बड़ा होता है फुल बस्ट, तो फुल बस्ट हमारा यहाँ पे 36 हो सकता है, 38 भी हो सकता है। तो मेरा फुल बस्ट 36 है, तो 36 का 10वां हिस्सा लेनी है हमें। 36 का 10वां हिस्सा मतलब 3.6, यहाँ पे देखिए 3.6 पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 3.6 पे निशान है। और देखिए यहाँ से ये निशान लेने के बाद हमारा नीचे से भी एक निशान हमारा लगेगा, ये हमारा चेस्ट साइज का 10वां हिस्सा। तो चेस्ट हमारा 34 है, तो 34 का 10वां हिस्सा 3.4 पे निशान लगानी है। और यहाँ से एक लाइन खींची है, ये सीधा लाइन ऐसे हमें खींचनी है। अभी देखिए यहाँ पे भी रख के हमारा और एक निशान लगेगा, ये निशान हमें कितना लेनी है हमें, यहाँ पे देखो मैं यहाँ से 2.5 इंच ले रही हूँ, तो आप यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो पॉप होता है पॉप का साइज किसी का थोड़ा छोटा होता है और किसी का थोड़ा बड़ा हिसाब है बड़ा होता है, तो आप ये अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से ऊपर से 2 इंच ले रही हूँ, ये यहीं से हमारा इधर से प्रिंसेस कट का शेप बनेगा। देखिए मैं यहाँ से प्रिंसेस कट का यहाँ से शेप दे रही हूँ, आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाइए, देखिए आपका ब्लाउज कितना अच्छा बनेगा। और आगे और भी बहुत सारे टिप्स है, आप इसको फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे भी देखिए हमें डॉट डॉट करके यहाँ तक हमें ये जो आर्म होल तक हमें ये बढ़ानी है। ये डॉट करने के बाद देखिए यहाँ से आप मापेंगे कंधा से आपका 5 इंच होना चाहिए, ये 5 इंच पे लगाएंगे तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। आपको कभी कभी डाउट होगा हम कितने इंच पे यहाँ पे लेने हैं, तो यहाँ पे 5 इंच पे लीजिए। तो ये जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 2.5 इंच मतलब कट हो जाएगा तो हमारा कपड़ा कम पड़ेगा, इसीलिए हमें ये जो कट है इसको हमें बढ़ानी है। यहाँ पे 2.5 इंच कट होगा तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ पे जैसे ये कट हो जाएगा तो 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा, जैसे 1/2 इंच, और मैं यहाँ पे 1 इंच से थोड़ा सा कम 0.75 पे लिया एक्स्ट्रा, तो ऊपर हमारा 0.75 एक्स्ट्रा और नीचे हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा, तो ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अभी ये जहाँ हमने जैसे नीचे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था जब हमने मार्जिन लगाया था एक, ये इसको हमें कम करना है। तो देखिए यहाँ से हमें 1 इंच रख दिया निशान, और यहाँ से हमें तिरछे में एक लाइन लेना है, लाइन खींच दिया हमें इधर साइड का, ये हो गया। अभी हम इसको को सारे पीस देखिए यहाँ से हमें हो गया, और एक हमें सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निशान ने इधर लगाएंगे। इसको लगाने के बाद आपका शेप देखना कितना अच्छा होगा। तो देखिए ये जहाँ से हमारा सीधा बन रहा है ये इधर से ही, जहाँ से हमने टक्स पॉइंट लगाया था इधर से 1.5 इंच पे हमारी एक निशान लगेगी, और इधर एक लाइन हमें लगानी है। जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था नीचे, तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंच दोनों साइड यहाँ पे हमारा दब जाएगा। उधर साइड देखिए आपने तिरछा निशान लगाया, उधर 1 इंच मतलब इधर साइड हमें 1 इंच। अब मुझे सिलाई जब मैं करूँगी आपको दिखाऊँगी ये सिलाई कैसे करनी है। और यहाँ से देखिए 2 पॉइंट हमें डाउन कर देनी है गले के लिए। चलिए अब हमें कटिंग करनी है, देखिए कटिंग मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये आर्म होल की कटिंग हो गई, बाकी सारे पीस कटिंग कर दिया। देखिए मैं दोनों साइड को इकट्ठा रख के देखी हूँ हमारा बराबर है, बाकी सारे पीस मैंने कटिंग कर दिया। ये जब सिलाई करूँगी मैं गले कैसे कटिंग है तो करनी है मैं दिखाऊँगी। देखिए अभी बाजू की कटिंग करूँगी, देखिए 4 फोल्ड मैंने बाजू की किया है, हमें 2 बाजू एक साथ निकलेगी। तो देखिए इसकी चौड़ाई ये 8 इंच से थोड़ा सा हमारा ज़्यादा है, 2 पॉइंट ज़्यादा है, तो हमें इसकी चौड़ाई देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 8.2 है, तो इसकी चौड़ाई पहले हमें देखिए कपड़े को सीधा करना है। और इसकी चौड़ाई लेंगे हमें 9.2, तो 8.2 था, अभी यहाँ पे हमें 9.2 पे निशान लगानी है। देखिए और ये जो लंबाई है बाजू की
मैं 6 इंच रखूँगी, क्योंकि 5 इंच मेरा लंबाई तैयार लंबाई और 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन, 1/2 इंच ऊपर जाएगा 1/2 इंच नीचे, और ऊपर से मैं 2.5 इंच पे निशान लगाई नीचे को, और 2.5 इंच पे यहाँ पे नीचे लगा के एक लाइन खींच लिया और ऊपर भी लाइन खींच। आपको समझाने के लिए इजी रहेगा इसीलिए मैं लाइन किया, और यहाँ पे नीचे 7 इंच पे निशान लगाई और ऊपर 3 इंच पे निशान लगाई। यहाँ पे मोहरी मैंने 5.5 इंच पे लगाई और 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन रखा है, और यहाँ पे जो 3 इंच पे निशान लगाई यहीं से हमारे डाउन होगा। देखिए ये हमारा सिलाई मार्जिन है, और यहाँ पे हमारी आर्म होल का जो सेव होता है इसको हम दे देंगे। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, और आर्म होल साइड की भी कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे मेन कपड़ा मैंने रख दिया अस्तर कपड़े के साथ, और 1/2 इंच मार्जिन देके हमें इसकी कटिंग करनी है, और जी इसी तरह से देखिए बाजू की भी मैं कटिंग करूँगी। थोड़ा सा बाजू हमारा कपड़ा छोटा है, मैं बाद में जॉइंट करूँगी इसमें, और बाकी सब पीस भी मैं इसी तरह से कटिंग कर दूँगी।